हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। लास्ट टॉपिक हमारा जो था उसमें हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो आइटम्स आती हैं जो एडजस्टेबल हैं। मींस अगर हमारे पास प्रॉफिट्स प्रॉपर होंगे तो वो अमाउंट्स पूरी मिल जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो चीजें नहीं मिलेंगी। बट क्या होगा अगर प्रॉफिट हमारे पास कम हो, मीन्स जितने हमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन ये सब देना है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कम होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इसी चीज के लिए है, मतलब व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 की रेशियो है। ए कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल वर्थ ₹10 लाख। ए ने फॉर्म में ₹10 लाख लगाए हैं जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10% पर एनम, ठीक है। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, बी ऐसा पार्टनर है जो वर्किंग पार्टनर है, मीन्स वो बिजनेस में काम कर रहा है एंड इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। काम करने के बदले में उसको सैलरी मिलेगी ₹5,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 आर ₹80,000। प्रॉफिट्स पूरा साल में कितने हुए, ₹80,000। एंड क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, ₹80,000, ठीक। और जो चीज हमने देनी है, मीन्स जो फर्म को पे करनी है, वो अमाउंट क्या क्या है, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी, ₹10 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, ₹1 लाख। एंड सेकेंडली बी को क्या मिल रहा है, सैलरी, सैलरी कितनी है, ₹5,000 पर मंथ। तो ईयरली सैलरी कितनी हो गई, ₹60,000, ठीक है। तो टोटल मिला के फर्म को जो पे करना है वो अमाउंट कितनी आ गई, ₹1,60,000, ठीक है। और फर्म के पास प्रॉफिट्स कितने हैं जो अवेलेबल है, वो है ₹80,000। अब फर्म क्या करेगी, जब प्रॉफिट कम है तो कम दे देंगे, ठीक है। तो कम वो कैसे देंगे, जितनी अमाउंट पार्टनर्स की बनती है, ए की अमाउंट कितनी बनती है, ₹1 लाख, बी की अमाउंट कितनी बनती है, ₹60,000। तो जितनी जितनी अमाउंट हमने पार्टनर्स को पे करनी है उसकी रेशियो में उसको डिवाइड कर लेंगे, मीन्स अपनी रेशियो क्या बनी, 1 लाख एंड 60,000। तो इसको ये कैंसिल हो जाएंगे तो रेशियो अपनी क्या बनी, 5:3। तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होंगे, 5:3 में इन प्रॉफिट्स को हमें डिवाइड करना है। तो देखिए अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट्स है ₹80,000, ठीक है। अब डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है, 5:3 की रेशियो में। तो 80,000 × 5/8 ₹50,000 एंड सैलरी टू बी 80,000 × 3/8 अमाउंट कितनी आ गई, ₹30,000। तो ये अमाउंट अब 5:3 की रेशियो में डिवाइड होगी, मीन्स जितनी जितनी अमाउंट फर्म ने पार्टनर्स को देनी है
उसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होगी। अब जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, मींस जो ओरिजिनल रेशियो थी, प्रॉफिट को शेयर करने की रेशियो थी, वो अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो रेशियो थी प्रॉफिट्स को शेयर करने की, प्रॉफिट्स तो बचे ही नहीं है, तो उस रेशियो का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हमें कुछ भी उसका नहीं करना है, हमें जो भी रेशियो अपनी इनकी अमाउंट की निकलेगी उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही हमें वो रेशियो फाइंड आउट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उस जो भी इतना भी प्रॉफिट आया उसको हमें डिवाइड करना है। इसमें और अमाउंट भी हो सकती है, जैसे बी को सैलरी प्लस कमीशन कुछ और मिलना है तो वो अमाउंट 60,000 के अंदर एड हो जाएगी। ठीक है, ए को साथ में कुछ और मिलना है तो ए के अमाउंट में वो चीज एड हो जाएगी। फिर जितने भी अमाउंट उनकी आएगी रेशियो उससे ही बनेगी, जितने अमाउंट जितने भी पार्टनर्स है सबकी अमाउंट निकालनी है, उसी की रेशियो बनानी है, और उस रेशियो में ही आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। राइट, होप टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उनको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।